मैंने तो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद किया, आप सभी लोग यहाँ पर आए और प्रवीण जी ने, राजीव जी ने, सुजीत जी ने सबने ये बात बोली थी कि हम ये चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पे लड़ना चाहते हैं। हम ये चुनाव हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो लेगेसी है, पिछले 5 साल में जितना उन्होंने काम किया है इस देश के लिए, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जहाँ तक कि आप ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं, राजीव जी पहले ही मैंशन कर चुके हैं कि पहले दिन जब मैं राजनीति में उतरा तो मैंने सभी को ये बोला था कि हम राजनीति अलग तरीके से करेंगे। हम किसी भी इंडिविजुअल पे या किसी भी हमारे जो कंपेटिटर हैं या कोई और पार्टी के लोग हैं उन पर हम एलिगेशन या कोई पर्सनल कमेंट्स या कोई किसी भी तरीके से नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो मेरी तरफ से हो, चाहे वो हम सब जो यहाँ पर स्टेज पे बैठे हैं किसी की भी तरफ से। अगर आपने देखा पिछले 12 या 15 दिन में हमने कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं करी, बिकॉज ये देश उस नेगेटिव पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर उठ चुका है पिछले 5 साल में और हम वापस उस लेवल पे नहीं लाना चाहते देश को। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी और बाकी पार्टियों में एक जमीन आसमान का फर्क है और वो फर्क है एक सोच का। हमारी सोच है देश की प्रगति में, हमारी सोच है देश की उन्नति में, क्योंकि हम जानते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जब कश्मीर में युवाओं को वही अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो दिल्ली में मिलती है या किसी और मेट्रोपॉलिटन सिटी में मिलती है या शहर में मिलती है, तभी ये देश का अस्थि विकास होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये करके भी दिखाया, तो हम उनके विजन को आगे लेके जाना चाहते हैं। और आगे भी अगर आप 2 या 3 दिन रह गए, हमारी तरफ से आप कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं सुनोगे, बिकॉज हम यहाँ पर सिर्फ काम करने के लिए आए हैं, कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म करने के लिए। उससे हम चाहते हैं, जैसे हमारे मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी जी ने कहा था कि हम वेस्ट को हाईवे में यूज कर सकते हैं, उस तरीके से हम बिल्कुल सीरियस हैं। प्लस वहाँ पर जो वेस्ट है उससे हम टैरिफ बना सकते हैं, सोलर एनर्जी गैस के थ्रू हम एनर्जी बना सकते हैं। तो ये इसमें हम बड़े कीन और हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी इस चीज़ में, इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर सकें। तीसरा, स्वच्छ सुंदर यमुना। देखिए, क्लीन यमुना हम सबका एक विजन है, सारे दिल्ली वासियों का एक ड्रीम है। और मैं आपको एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स में आने से पहले मेरी फाउंडेशन ने तो यमुना के घाट से कालिंदी कुंज में वहाँ पर पहले ही ऑलरेडी शायद 2 महीने, 1.5 या 2 महीने पहले नमामि गंगे के साथ वो काम शुरू कर दिया था। और उस टाइम पर मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी कि मैंने पॉलिटिक्स में आना। तो हम सब चाहते हैं जिस तरीके से साबरमती पे इतना सुंदर घाट बना गया है, उस तरीके से हम यमुना के भी घाट उस तरीके से बना सकते हैं और हम बनाना चाहेंगे भी और हम जरूर बनाएंगे, बिकॉज यमुना एक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है। तो हम चाहते हैं कि हम उसके लिए बहुत सीरियस रहें। प्लस ग्रीन ईस्ट दिल्ली, ग्रीन ईस्ट दिल्ली हम चाहते हैं कि ईस्ट दिल्ली जितना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन रहे उतना बेहतर है, बिकॉज उससे आपकी जो हवा है उसमें भी बहुत फर्क पड़ेगा। प्लस एक मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हम प्रमोट करेंगे कि हर घर, हर फैमिली सिर्फ एक पेड़ लगाए। हम ये नहीं चाहते कि हर फैमिली 100 पेड़ लगाए या 50 पेड़ लगाए और उनको लगाने के बाद भूल जाए। अगर हर फैमिली एक पेड़ लगाती है और उसको अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल करती है, तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी जरूर बहुत ही जल्दी क्लीन हो जाएगी। इसलिए हम लोगों से ये नहीं चाहते कि आप बड़े बड़े काम करिए, हम हर फैमिली से चाहते हैं छोटा काम करिए लेकिन ईस्ट दिल्ली के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करिए। और वो कॉन्ट्रीब्यूशन हम सबके लिए एक बहुत बड़ा विजन है और इसके ईच फैमिली प्लांट 1 ट्री, उस तरीके से आप ग्रीनरी में भी बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं। देखिए, एक जिस तरीके से गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी का कैंपस ईस्ट दिल्ली में खोला गया, हम चाहते हैं कि डीयू की तरह जैसे नॉर्थ कैंपस है उसी तरीके से ईस्ट दिल्ली में भी डीयू का कैंपस खोला जाए, जिससे बच्चों को और सुविधाएं मिले, बच्चों को यहाँ से नॉर्थ कैंपस ना ट्रैवल करना पड़े। तो हम चाहते हैं इस तरीके की एक यूनिवर्सिटी भी जरूर ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में खुले। प्लस ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू है, तो हम बहुत सीरियस हैं कि मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएँ, जो इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाएं। इससे आप
प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन करते हैं, एक तो पार्किंग का, प्लस ट्रैफिक कंजेशन। ट्रैफिक कंजेशन ऑटोमेटिकली चीज आउट होता है कि अगर आप लोगों को प्रमोट करते हैं कि मल्टी लेवल पार्किंग जो बनी होगी वहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क करो नॉमिनल चार्जेस पे, बिकॉज नॉमिनल चार्ज होना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करेंगे तो शायद लोग मल्टी लेवल पार्किंग ना यूज़ करें। तो हम जरूर चाहेंगे कि मल्टी लेवल पार्किंग बने और लोग वहीं पर अपनी गाड़ियाँ पार्क करें। एक और विजन ये है कि गौतम गंभीर ऐप, कि लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो मेरे ऐप के थ्रू मेरे पास जरूर मेरे पास डायरेक्टली ला सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम है प्लस एक डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाएगा। अगर मेरे ऐप के थ्रू आप मेरे से डायरेक्टली टच में आ सकते हैं तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है कि अगर कोई भी इश्यूज हो मैं किस तरीके से उनको सॉल्व कर सकता हूँ। एक हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सारी योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया, उड़ान, स्वच्छ भारत, इसको हम लोगों के बीच में डोर टू डोर लेके जाना चाहते हैं, कि डोर टू डोर हम जाएं और लोगों के बीच में इन सारी जो हमारी प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं शुरू करी हैं लोगों को इसका बेनिफिट हो डोर टू डोर में। देखिए मैं स्पोर्ट्स की फील्ड से आया हूँ और मैंने हमेशा यही बात सुनी है कि दिल्ली में लैंड की बहुत कमी है। हमारे पास ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में यमुना विहार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो अभी ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, इधर इस चीज़ में तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आप आईपीएल के मैचेस जरूर वहाँ पर लेके जा सकते हैं अगले 2 या 3 साल में, बिकॉज आपके पास जगह है। सिर्फ आपको और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की जरूरत है, अगर आप फ्लडलाइट्स लगाने की जरूरत है, स्टैंड बनाने की जरूरत है, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में एक ही ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी जहाँ पर आपके पास 2 इंटरनेशनल स्टेडियम होंगे। फिरोजशाह कोटला हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। अगर आप आईपीएल के मैचेस यमुना विहार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लेके जाते हैं तो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 इंटरनेशनल मैदान शायद किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस देश में नहीं होगी। तो हम बहुत कीन है और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर युवाएं और बाकी जो युवा हैं वहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाके बाकी सारे स्पोर्ट्स में भी भाग लें, बिकॉज जब तक युवा बाहर निकल के खेलेगा नहीं तब तक उनकी ग्रोथ नामुमकिन है। हम नहीं चाहते कि हमारे देश के युवा सिर्फ आईफोन पे या आईपैड पे अपनी ज़िंदगी बताएं। शायद मैं अपने देश के लिए इसलिए खेल पाया क्योंकि मैं बाहर जाके खेलता था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं ग्राउंड मैदानों और मैदान में जाके पार्क में जाके खेलूँ। उस टाइम पर इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते नहीं थे, लेकिन आज आपके पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं तो प्रमोट करेंगे कि यूथ जाए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी करें।